उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद की ग्राम सभा बजरी कला इन दिनों आस्था के सागर में डुबकी लगाते हुए अखंड हरि कीर्तन में भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। ग्राम सभा बजरी कला विकास खंड औराई जनपद भदोही का एक ऐसा गांव है जो गंगा के किनारे बसे होने के कारण हमेशा चर्चा में बना रहता है। चाहे भूमाफियाओं से सैकड़ों बीघा खेती योग्य भूमि खाली कराने का मामला रहा हो या फिर ग्राम सभा में गंगा तट पर विराजमान देवाधिदेव बाबा कमलेश्वर महादेव के मंदिर पर हो रहे एक माह तक यानी 15 मई 2018 से अनवरत 13 जून 2018 तक अखंड हरि कीर्तन की बात क्यों न रही हो। भयंकर लू उमस और गर्मी में जहां एक ओर लोग शीतल छाछ की खोज करते भटकते दिखाई देते हैं, वहीं आस्था के सागर में गोते लगा रहा ग्राम सभा बजरी कला के लोगों द्वारा व क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से संपन्न हुए एक माह के पुरुषोत्तम माह तक अखंड हरि कीर्तन का आयोजन करके बजरी कला के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया गया है। संपन्न हुए अखंड हरि कीर्तन में 13 जून को शाम को 5 बजे के बाद भगवान कमलेश्वर महादेव के दरबार में 5 पंडितों मनोज तिवारी, वकील दुबे, विष्णु शंकर उपाध्याय तथा पंडित गुड्डू पाठक सहित पांचों पंडितों ने विधि विधान के साथ में पूजन कराया तथा तत्पश्चात ग्राम सभा के समस्त पुरुषों, महिलाओं, बच्चों एवं भदोही प्रधान संघ के पदाधिकारियों द्वारा पूजन हवन में भाग लिया गया। घंटों चली हवन में धुएं से पूरा ग्राम सभा में खुशबू फैल गई। पूरे ग्राम सभा के भक्तों ने कमलेश्वर महादेव मंदिर में हाजिरी लगाकर कमलेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। हवन पूजन के पश्चात पूर्वांचल के प्रख्यात भोजपुरी गायक राजेश परदेशी द्वारा अपनी टीम के साथ बाबा कमलेश्वर महादेव के दरबार में गीतों और भजनों के माध्यम से बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई गई। सैकड़ों की संख्या में जुटे भक्तों ने प्रख्यात भोजपुरी गायक के साथ कमलेश्वर महादेव के नारे लगाते रहे। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवभूषण उपाध्याय उर्फ गोपाल अपनी पत्नी के साथ हवन पूजन में बैठे। शिवभूषण उपाध्याय ने प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि 15 मई से हो रहे अखंड कीर्तन में ग्राम सभा के बुजुर्गों, नौजवानों व बच्चों ने काफी सराहनीय योगदान किया है। साथ ही साथ अगल बगल के ग्राम सभा के लोगों द्वारा भी अखंड हरि कीर्तन में काफी समय दिया गया है, जिसके लिए प्रधान संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवभूषण उपाध्याय उर्फ गोपाल ने मंदिर के चबूतरे पर पहुंचकर सबको धन्यवाद दिया एवं पूजन के यजमान भी स्वयं ही रहे।